मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से नमस्कार करते हैं। क्या आज आप दुख में हैं ना? शायद आपका कुछ कार्य के चलते आपके मन की गहराई में उस दुख है, उस दुख से निकल नहीं पाते हैं, इतनी परेशानी में ना। लेकिन प्रभु आपसे कुछ कहने के लिए चाहता है। इस मलेशिया का देश एक वक्त में देखिएगा गुलाम के रूप में रहता था, लेकिन आज पूरे आजाद के साथ है। आप यहाँ पर मेरे पीछे इमारतों को देखते हैं ना, एक वक्त में ऊंचे न्यायालय के समान रहता था, अभी एक वर्ल्ड टूरिज्म सेंटर है। अभी यहाँ पर और एक बिल्डिंग को देख रहे हैं ना, इसी को पूरे दुनिया में सबसे ऊंचे इमारत के रूप में कहते हैं। सबसे पहले ऊंचे इमारत है वो मलेशिया में है, दूसरे ऊंचे इमारत इस देश में यहाँ पर ये लोग बना रहे हैं। इसका मतलब एक उन्नति को हम लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। इस देश उन्नति में आगे बढ़ रही है। एक देश का उन्नति इसी में पता चलता है, उसके ऊंचे इमारतें हैं। वैसे ही हमारा जीवन आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमारे जीवन में उन्नति की ओर आगे बढ़ते रहना है, यही सही उन्नति है। लेकिन आप कहते हैं मेरे जीवन में देखिए हमेशा नीचे ही जाते हैं, मैंने पीछे ही गिरावट का समान रहता है, कोई उन्नति नहीं है, सभी बातों में गिरावट है और मैं इतने परेशानी के साथ रहता हूँ, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं, ऐसे कहते हैं ना। यिर्मयाह नबी के पुस्तक 31 अध्याय के 13 वचन में कहता है प्रभु, क्योंकि मैं उनके शोक दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। प्रभु ऐसे करेगा। आप ही से प्रभु कहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी तुम अभी बहुत ही दुख के साथ है ना, ये सारे हालातों को मैं बदलूंगा और दुख के बदले तुम्हें आनंद को दूंगा। प्रभु हमारे जीवन में हमारे दुखों को बदलने के लिए इस वचन से आपसे कहता है, मैं सारे दुखों को तुम्हारे जीवन से बदल दूंगा। आज वो तसल्ली देता है, आपके शोक को बदल के तसल्ली देना चाहता है। तुम्हारे दुखों को बदलने के लिए मैंने क्रूस को सह लिया, तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए मैं क्रूस पर मरा है। परमेश्वर हमारा जीवन में अपने सारे दुखों को बदलने के लिए और सारे शोक तकलीफ को बदलने के लिए क्रूस पर अपना सारा जीवन को दिया है। प्रभु आपसे कहता है आपके दुखों को, दिल की गहराई में सारे दुखों में जो है ना, उसको मेरे पास कहना है। इसलिए यीशु के पास कहने से आपके दुखों को दूर कर देगा। वो आज आपसे कहता है, मेरा बेटा तू अपने ही मन में क्यों दुख के साथ रहता है, तेरे दुखों को शोक को बदलने के लिए ही मैंने क्रूस पर अपने जीवन को दिया करके कहता है। यशाया 53 अध्याय में हम पर देखते हैं यीशु हमारे दुखों को क्रूस पर सह लिया है, ना केवल पापों को श्रापों को बीमारियों को और सारे रोगों को, यीशु मसीह हमारा दिल की गहराई में जो दुख और शोक है उसको बदलने के लिए वो कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी मैं तुम्हारे लिए तेरे दुखों को दूर करने के लिए दुखों क्रूस पर मैंने सारे दुखों को सह लिया, मेरे पास कर अर्पण करो, मैं सबको बदलना चाहता हूँ। यदि आप आज विश्वास करने से जी हाँ, आज आपके सारे दुखों को परमेश्वर बदलेगा, आज मैं आपके लिए बोझ के साथ दुआ करने वाला हूँ, जी हाँ आप मेरे साथ दुआ करें, हे पिता हे प्रभु इनकी दुखों को दूर करने के लिए ही क्रूस पर अपने सारे जीवन को दिया है, तू मरा है परमेश्वर, मैं आज विश्वास करता हूँ इनके दुखों को तू क्रूस के सामर्थ्य से दूर करना, मन की गहराई के शोक को आज तू बदलने वाला है परमेश्वर, स्तुति करता हूँ यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन।